हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू प्लस टू अकाउंटेंसी क्लास. हमने कल एक टॉपिक शुरू किया था, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट. आज की इस क्लास के अंदर हम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हम पूरे चैप्टर की एक बार रिवीजन लेंगे. बेटा क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 कर रहे हैं हम लोग. अनसोल्ड क्वेश्चन है, अनसोल्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60. पी क्यू एंड आर इन पार्टनरशिप. P, Q, R, are in partnership. P and Q sharing profit in the ratio of 4:3. P और Q की distribution ratio दे रखी है हमें, 4:3 के हिसाब से profit या loss को distribute करते हैं. R receiving a salary of 20,000 per annum. R को salary मिल रही है 20,000 पर एनम, पूरे साल के लिए उसे सैलरी मिल रही है 20,000 रुपए प्लस एक कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इट सैलरी एंड कमीशन. 20,000 प्लस एक कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट आर को ये मिल रहा है. 10% ऑफ प्रॉफिट केस हमको दे रखा है आफ्टर का, आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी. आफ्टर के केस में हमने पढ़ा था ना मैनेजर कमीशन के केस में, कि हम निकालने के लिए क्या करते हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट. तो यहां पर वही आफ्टर का केस है. आर को 20,000 रुपये सैलरी मिल रही है प्लस प्रॉफिट का 10% उसे मिल रहा है और आफ्टर का केस इसमें लगाना है. और साथ में और हमें दिया हुआ है, आर के पास दो ऑप्शन है. 1/6 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ फर्म विच एवर इज लार्जर, या 1/6 ऑफ प्रॉफिट, या आर को मिलना है प्रॉफिट का 1/6 पार्ट. विच एवर इज ग्रेटर, दोनों को इसको और इसको कंपेयर किया जाएगा और आर को कौन सा पार्ट मिलना है, विच एवर इज ग्रेटर. इसके बाद कहते हैं एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर, एनी एक्सेस ऑफ द लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, बाद वाले में जितना ज्यादा मिल रहा है, बाद वाले में जितना ज्यादा मिल रहा है. देखो पहला ऑप्शन ये था उसके पास, बाद वाला ऑप्शन ये है. तो बाद वाले में जितना ज्यादा मिल रहा है अंडर द पार्टनरशिप डीड टू बी बोर्न बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2. इस केस में जितना ज्यादा मिल रहा है विल बी एक्सेस, will be borne by P and Q in the ratio of 3:2. The profit for the year ended 31 March 2017 came to 385,000 after charging R's salary. साल खत्म होने वाले साल 2007 का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 385, आफ्टर चार्जिंग आर से सैलरी. ये जो प्रॉफिट हमको दे रखा है ना, ये आर की सैलरी, आर को सैलरी मिल रही थी 20,000 रुपए की, इसमें से 20,000 रुपए माइनस करने के बाद का प्रॉफिट है. तो इतना सा अपना क्वेश्चन है. तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको प्रैक्टिकली, स्टेप बाय स्टेप करते हैं. देखो सबसे पहले तो बच्चे अपने पास आता है कि पी और क्यू की हमें डिविजनल रेशियो दे रखी है, कि पी और क्यू प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 4:3 के हिसाब से. लेकिन जो ये 4:3 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आर के डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो नहीं दे रखी. आर को
अलग से मिल रहा है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि हमने इस प्रॉफिट में से पहले आर को पेमेंट करनी है और बचे हुए प्रॉफिट को पी क्यू में इस रेशियो में बांट देना है। आर में क्यों नहीं बांटा जा रहा, क्योंकि आर की रेशियो हमको दे ही नहीं रखी। दोबारा से रिपीट करती हूँ, प्रॉफिट हमको दे रखा है, आर की सैलरी के बाद का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमें कौन सा प्रॉफिट दिखाना होता है, जो सभी प्रकार की एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप बच्चे इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 385,000 का प्रॉफिट था, आर को सैलरी दी जा रही थी 20,000 की, तो वो इसमें ऐड करने के बाद जो प्रॉफिट है उसे हम दिखाएंगे। तो यहां पर आ जाएगा 4,05,000। अब हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया। इसके बाद सबसे पहले मुझे पेमेंट करनी है आर को। आर को पेमेंट करने के लिए दो हमारे पास जो चॉइसेस है वो दी हुई है। क्या, अगर मैं फर्स्ट की बात करती हूं, देखो एज पर द फर्स्ट ऑप्शन आर विल गेट, एज पर फर्स्ट ऑप्शन आर को क्या मिल रहा है, 20,000 सैलरी 20,000 रुपए की प्लस कमीशन। कमीशन कैसे निकालना है, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एवरीथिंग। आफ्टर चार्जिंग क्या, उसका कमीशन और सैलरी माइनस करने के बाद के प्रॉफिट का हमने 10/110 करना है। तो यहां पर देखो टोटल प्रॉफिट था अपने पास 4,05,000, सैलरी को माइनस करने के बाद प्रॉफिट बचेगा 3,85,000 मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो 385,000 का करते हैं हम 35,000। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो आर को टोटल कितना मिल रहा है, 55,000 मिल रहा है। ओके, सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं आर क्या लेगा। सेकेंड ऑप्शन में कहते हैं कि 1/6 ऑफ प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट है उसका 1/6 उसको दिया जाना है। जब उसको 1/6 ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, ना तो उसको सैलरी मिलनी ना उसको कमीशन मिलना, यानी कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका हम 1/6 निकाल लेंगे। तो यहां पर देखें टोटल प्रॉफिट है अपने पास 4,05,000, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में से सैलरी तो मिलनी नहीं, तो जब सैलरी मिलने ही नहीं तो माइनस भी नहीं होगी, तो यानी कि 4,05,000 इस टोटल प्रॉफिट का 1/6 उसे दिया जाएगा। तो ये 1/6 कैलकुलेट करने के बाद आता है 67,500। अब इसके बाद देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात हमें क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में कहते हैं एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर फर्स्ट, जितना भी एक्सेस है। देखो पहले ऑप्शन में आर को मिल रहा है 55,000, दूसरे ऑप्शन में आर को मिल रहा है 67,500, दूसरे ऑप्शन में आर को पहले से जितना ज्यादा मिल रहा है वो कौन बियर करेंगे, वो पी और क्या पर्सनली अपने हिस्से में से देंगे, फर्म नहीं दे रही है, फर्म इतना ही पे करेगी, फर्म 55,000 ही पे करेगी, बाकी के प्रॉफिट को पी और क्यू अपने हिस्से में से पूरा करके देंगे। बस क्वेश्चन तो अपना हो ही जाता है। तो यहां पर देखें आर को, देखो एक्चुअल में मिला कितना, आर को मिला तो 67,500 का है, पर क्या ये 67,500 सारा फर्म दे रही है। मैं दोबारा से रिपीट करती हूं, आर को फर्म की तरफ से 55,000 रुपए ही मिलने हैं,
67,500 तक पहुंचने के लिए उसे पी और क्यू की हेल्प चाहिए, यानी कि पी और अपने हिस्से में से और क्यू अपने हिस्से में से कुछ अमाउंट काटकर आर को पे करेगा और इसका 67,500 रुपए पे कर देगा। तो यानी कि यहाँ पर फर्म की तरफ से 55,000 रुपए का प्रॉफिट आर को मिलना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी क्यू आर। आर को फर्म की तरफ से कितना मिल रहा है? 55,000। टोटल प्रॉफिट था 4,05,000। पी और क्यू बचे हुए प्रॉफिट को 4-3 के हिसाब से बांटेंगे पहले आर की पेमेंट करने के बाद। आर को फर्म की तरफ से क्या मिल रहा है? 4,05,000, 20,000। 20,000 एक्चुअल में इसमें इंक्लूड हो चुका है। अब यहां पर देखिए जी क्या कहते हैं कि आर को जितनी पेमेंट होनी है, सेकंड केस में जितनी ज्यादा पेमेंट मिलेगी वो पेमेंट वो लेगा पी और क्यू से, और उनकी रेशियो हमको दे रखी है 3:2 की रेशियो में जो एक्सेस है। तो यहां पर हम एक्सेस पहले निकाल लेते हैं कि कितना ज्यादा उसे मिल रहा है। तो यहां पर हम एक्सेस निकाल लेते हैं कि दूसरे केस में उसे पहले केस से कितना ज्यादा मिल रहा है। एक्सेस पेमेंट टू बी बोर्न बाय पी क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो एक्सेस पार्ट देखिए अपना कितना बचेगा। बच्चे हम 67,500 में से 55,000 को माइनस कर देते हैं। तो ये जो है इसे पी और क्यू ने बियर करना है 12,500 के हिसाब से। तो यानी कि आर को फर्म की तरफ से क्या मिला? आर को सिर्फ 4,05,000 रुपए, 4,05,000 रुपए में से 55,000 रुपए की पेमेंट मिलनी है। तो हमने यहां पर जो 4,05,000 रुपए का हमको टोटल प्रॉफिट दे रखा है इसमें से सिर्फ 55,000 रुपए को माइनस करेंगे। तो चलो बेटा हम फटाफट से इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया जिसके अंदर हम प्रॉफिट दिखाएंगे। टोटल प्रॉफिट 385,000 का था लेकिन इसमें 20,000 रुपए की जो सैलरी थी वो काटी हुई थी, तो हम उसको दोबारा से एड करने के बाद जो अमाउंट आई है उसको यहां पर दिखाएंगे। अब यहां पर देखो जो पेमेंट होनी है वो कैसे कैसे होनी है। अब जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा वर्किंग नोट में कि आर को फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 55,000 रुपए और सेकंड के अंदर 67,500 रुपए की पेमेंट होनी है, लेकिन जो एक्सेस की पेमेंट है वो तो पी और क्यू देंगे, यानी कि फर्म की तरफ से, आर को सिर्फ 55,000 रुपए ही मिलने हैं। तो लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू आर को मिलने हैं 55,000 और बचा हुआ प्रॉफिट कौन लेगा? पी और क्यू। तो हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट टोटल अवेलेबल प्रॉफिट 4,05,000 का माइनस पेड टू आर, आर को जितनी पेमेंट हुई, आर को कितनी पेमेंट कर रहे हैं फर्म की तरफ से 55,000 पे होना है, तो 55,000 को माइनस कर दिया, बच गया अपने पास 3,50,000। अब ये किसके लिए प्रॉफिट बचा? ये प्रॉफिट बचता है पी और क्यू के लिए, और पी और क्यू इस प्रॉफिट को 4-3 की रेशियो में बांटेंगे 4/3, यानी कि हम इसका 4/7 करेंगे। और क्यू को मिलना है, इसका 3/7 पार्ट। तो 3,50,000 का 4/7 निकालते हैं, ₹22,00,000, और इसका आएगा 1,50,000। अब पी और क्यू को फर्म की तरफ से इतने प्रॉफिट मिल गए, लेकिन लिख लेते हैं पहले हम इसे, पी को मिले 2,00,000, क्यू को मिले 1,50,000। बट अभी भी एक सिचुएशन रहती है
क्या कि कहते हैं कि पी और क्यू जो एक्सेस पेमेंट आर को दी जा रही है उसे 3:2 के हिसाब से बांटेंगे। तो इस 12,500 रुपए को, 12,500 रुपए को पी अपने हिस्से में से 3/5 पोर्शन देगा। तो 12,500 का हम 3/5 निकाल लेते हैं यानी कि 7,500 रुपए। तो पी ने अपने हिस्से में से आर को दे दी 2R 7,500, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद अमाउंट आती है 1,92,500। ऐसे ही क्याऊ को टोटल फर्म की तरफ से मिल रहे थे 1,50,000, लेकिन उसमें से क्याऊ ने भी अपने हिस्से में से कुछ काटकर उसे पेमेंट करनी है। तो 12,500 का 2/5 कर दें, 5,000 यानी कि 1,45,000 क्याऊ को मिले फर्म की तरफ से। और आर ने पी से कितना लिया, फ्रॉम, हम लिखेंगे फ्रॉम पी 7,500 और फ्रॉम क्यू 5,000 और टोटल इसका आ जाएगा 6,750। तो ये बच्चे अपना क्वेश्चन था। दोबारा से इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट का ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमसे कहते थे कि पी क्यू की रेशियो थी 4:3 के हिसाब से, आर को मिलना था 10% ऑफ कमीशन ऑफ प्रॉफिट एज कमीशन और 20,000 की सैलरी, 20,000 रुपए सैलरी और 10% कमीशन। तो ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, हमने पास दे रखा था 20,000 रुपए का जो सैलरी उसे दी जानी है, कमीशन 3,85,000 आफ्टर का केस था, तो हमने 10/100 प्लस 10 करके ये अमाउंट निकाली थी 35,000 की। तो टोटल अपने पास आ गया 55,000। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या था कि टोटल प्रॉफिट का 1/6। टोटल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, उसकी सैलरी जो हमारे को पे कर रही है वो वापिस एड बैक करके, टोटल प्रॉफिट 3,85,000 में 20,000 एड करने के बाद आएगा, तो 4,05,000 रुपए का प्रॉफिट था इसका, 1/6 हमने निकाला, तो 66,500 रुपए की पेमेंट यहाँ पर उसको मिल जाती है। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है कि 55,000 रुपए फर्स्ट ऑप्शन से दूसरे में जितने ज्यादा मिलेंगे वो पी और क्यू अपने हिस्से में से देंगे, फर्म सिर्फ 55,000 ही पे करेगी। तो क्योंकि फर्म सिर्फ 55,000 ही पे कर रही है तो हमने फर्म के प्रॉफिट में से 55,000 ही माइनस किए और बचा हुआ प्रॉफिट पी और क्यू के लिए छोड़ दिया। तो पी और क्यू ने इस बचे हुए प्रॉफिट को बांट लिया अपने हिस्से में, जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो उनको दे रखी थी 4:3 के हिसाब से, उस रेशो में इन्होंने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। लेकिन जो एक्सेस पेमेंट आर को दी जा रही है पहले ऑप्शन से दूसरे में जितनी ज्यादा पेमेंट दी जा रही है वो पी और क्यू ने 3:2 के हिसाब से बांटनी थी। तो इस 12,500 को 3:2 की रेशो के हिसाब से बांट लिया पी और क्यू ने, तो 12,500 का 3/5 करके हमने पी के हिस्से में से काट दी और 12,500 का 2/5 करके हमने क्यू के हिस्से में से काट दी। तो इन्होंने पर्सनली ये पेमेंट 7,500 और 5,000 की 12,500 पूरी करके आर को दे दी। तो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन था। तो चलिए एक बार हम इस चैप्टर की क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जितना भी अब तक आज तक हमने इसमें पढ़ा है। चैप्टर था बेटा हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले हमने पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ा था। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, सबसे पहले पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पर्संस। टू कैरी बिजनेस, कैरिड ऑन बाय देम, ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम, और इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। तो ये जो पॉइंट्स हमने इसके अंदर पढ़े थे ये सभी पॉइंट्स इसके फीचर भी होते हैं। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि आपस में किसी कुछ टर्म्स और कंडीशन को लेकर वो लोग एग्री होते हैं ताकि वो प्रॉफिट को आगे बांट सके, बिजनेस को एक स्मूथली वे में चला सके। दो से दो या दो से ज्यादा लोगों का होना जरूरी होता है,
पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई भी अकेला व्यक्ति अपने खुद से तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता, तो टू मेंबरशिप भी देयर, तो यहां पर कम से कम दो लोगों का और मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एज पर पार्टनरशिप एक्ट। इसके बाद बिजनेस का होना जरूरी है, कोई भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है या कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको हम बिजनेस का नाम नहीं देंगे, तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट मोटिव का होना जरूरी है। पार्टनरशिप के अंदर जितने भी काम किए जाते हैं वो सभी के द्वारा या तो मिलकर किए जा सकते हैं या उनमें से कोई एक पार्टनर सबकी रजामंदी से कर सकता है। पार्टनरशिप में मेजॉरिटी के लिए कभी कोई स्थान नहीं होता, अगर सभी पार्टनर किसी काम के लिए एग्री है तो पार्टनरशिप चलाएंगे, अदरवाइज वो नहीं चलाएंगे। इसके बाद है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर होते हैं एक दूसरे के प्रिंसिपल होते हैं और एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनर ने अगर किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सभी बाउंड हो जाते हैं। अगर ए किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो बी और सी भी उसके साथ इक्वली बाउंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने वाला प्रिंसिपल होता है और बाकी जितने बाउंड हो रहे हैं वो एजेंट, वो उस कॉन्ट्रैक्ट किए जाने वाले पर्सन के बिहाफ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं। तो यानी कि इसमें म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का होना भी जरूरी होता है। इसके बाद हमने पढ़े थे बच्चे पार्टनरशिप डीड। डीड क्या होती है? डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसे रजिस्टर्ड करा लिया जाता है, जिसके अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप एक रिटर्न और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं कि हम फ्यूचर के अंदर कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है कि क्या पार्टनरशिप फर्म के अंदर डीड का बनाया जाना जरूरी है? नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी टू मेक अ डीड इन द पार्टनरशिप फर्म। जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम लोग डीड को बनाए। अगर डीड नहीं बनती है तो वो कौन कौन से रूल है जो पार्टनरशिप फर्म में अप्लाई होते हैं? रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ डीड। डीड के एब्सेंस में कौन कौन से रूल? सबसे पहला, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल के ऊपर किसी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की जाएगी। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर्स ने जो पैसा विड्रॉ किया है उसकी ड्रॉइंग, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो और 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर्स ने फर्म को कोई लोन दे रखा है तो उस लोन के ऊपर 6% के हिसाब से उसे ब्याज दिया जाएगा। नो सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस। मतलब पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म में से किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन प्रॉफिट के अलावा नहीं दिया जाएगा। तो ये रूल्स थे जो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में एप्लीकेबल होते हैं। इसके बाद अपने पास आते हैं अकाउंट्स की पार्टनरशिप फर्म के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स है जो बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर हमने मेनली दो अकाउंट पढ़े, वो दो अकाउंट कौन कौन से है? एक तो आता है अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट्स, इसके अंदर हमने दो अकाउंट पढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा हमने इसके अंदर पढ़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि बच्चे इसके नाम के साथ देखो एप्रोप्रिएशन वर्ड लगा हुआ है, यहां पर एप्रोप्रिएशन वर्ड लगा हुआ है यानी कि इसके अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस को दिखाया जाता है वो प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन के तौर पर क्रिएट की जाती हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो हम उनको दिखाएंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम पार्टनर्स को कुछ भी पे नहीं करेंगे। दिस अकाउंट इज मेनली प्रिपेयर्ड ओनली फॉर द पेमेंट टू पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स को पेमेंट की जा रही है उन पार्टनर को पार्टनर होने के नाते जो पेमेंट की जा रही है उनके लिए इस अकाउंट को बनाया जाता है। दूसरा आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर पार्टनर बिजनेस में कितना पैसा लगा रहा है, उसको फर्म की तरफ से कितने क्या कुछ मिल रहा है, सैलरी, बोनस, कमीशन,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन सबको ट्रीट करने के लिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के आगे फर्दर टू कैटेगरी के अंदर हम इसे डिवाइड करते हैं, जब पार्टनर की कैपिटल को फिक्स्ड माना जाता है और या पार्टनर की कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग माना जाता है। तो हमें इस तरह की कंडीशन को देखना होता है क्वेश्चन में कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड दी हुई है या फ्लक्चुएटिंग दी हुई है। अगर फिक्स्ड दी हुई है तो इट्स मीन हमने पार्टनर की कैपिटल को फिक्स रखना है और पार्टनर को जो भी पेमेंट मिल रही है उसको करंट अकाउंट से डील किया जाएगा। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम दो अकाउंट बनाते हैं, कौन कौन से, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा हम बनाते हैं करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल को दिखाया जाता है, वो कैपिटल के तौर पर बिजनेस में से जितना पैसा निकाल रहा है या कैपिटल के तौर पर बिजनेस में जितना पैसा लगा रहा है उसे हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। इसके अलावा जितनी भी पेमेंट पार्टनर को फर्म की तरफ से मिलती है, सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, उन सभी को करंट अकाउंट से डील किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट यानी कि जब पार्टनर के अकाउंट का नेचर फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि डजंट मैटर उनकी कैपिटल बढ़ती है बढ़ जाए, कम होती है कम हो जाए, यानी कि अगर उसका नेचर फ्लक्चुएटिंग नेचर का वो रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, तो इस केस में पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाया जाता है। ये हम सिंपली इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम भी देते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है इस बारे में कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मानते हैं और एक ही अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अपने पास हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था मैनेजर्स कमीशन। पार्टनरशिप के अंदर पैसा तो पार्टनर्स ने लगा दिया लेकिन वो बिजनेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनके पास नॉलेज नहीं है या उन्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, उन्होंने एक मैनेजर को अपॉइंट किया हुआ है, पार्टनरशिप से संबंधित सभी डीलिंग्स को देखता है, लेकिन मैनेजर ज्यादा अच्छे से काम करे उसको मोटिवेट करने के लिए उसे कमीशन दिया जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा मैनेजर का कमीशन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो मैनेजर को कमीशन देने के लिए अपने पास दो सिचुएशन होती है, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग का केस दे रखा है तो उस केस में नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर मैनेजर्स कमीशन हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। और यही अगर हमें आफ्टर का केस दे रखा होता था, आफ्टर चार्जिंग का केस अगर हमें दे रखा है तो हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। अब ये हमने ऐसा क्यों किया, आफ्टर के केस में 100 प्लस रेट क्यों किया है, इसकी कंसर्न वीडियो में अगर आप जाकर देखें, मैनेजर्स कमीशन के नाम से एक वीडियो डाली हुई है, आप उसमें जाके देखें तो उसका रीजन सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमने एक वर्ड पढ़ा ही, बेटा ये छोटा सा वर्ड है लेकिन इसका हमारे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और फ्यूचर में भी जहां पर भी ये वर्ड यूज किया जाएगा तो इसके अलग अलग सिचुएशन के अंदर इस वर्ड के हिसाब से हम किसी भी ट्रांजैक्शन को डील करेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। चार्ज का मतलब एक बर्डन डल गया फर्म के ऊपर, एक बर्डन डल गया कि फर्म ने उसकी पेमेंट करनी ही करनी है, चाहे उसके पास प्रॉफिट हो चाहे उसके पास प्रॉफिट ना हो। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है इट डजंट मैटर फर्म इज अर्निंग द प्रॉफिट और नोस ही हैज टू पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेंस टू द आउटसाइडर्स, यानी कि जितने भी आउटसाइडर्स को पेमेंट की जा रही है उन सभी प्रकार की पेमेंट्स को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं, और आउटसाइडर्स को की जाने वाली पेमेंट को हम किसमें दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। आउटसाइडर्स को जितनी भी पेमेंट की जा रही है, या कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको पेमेंट की जा रही है लेकिन पार्टनर होने के नाते नहीं की जा रही, उसकी जगह कोई और भी होता तब भी उसे हम ये पेमेंट करते तो उसको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और यहां से नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करके हम लेके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि जब फर्म के पास प्रॉफिट होंगे तब फर्म उनकी पेमेंट करेगी, अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है तो वो उनकी पेमेंट भी नहीं करेगी।
तो उसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें पार्टनर्स को फर्म की तरफ से पार्टनर होने के नाते जो पेमेंट की जा रही है उनको इन्वॉल्व किया जाता है। अब इसी के साथ लगे हाथ हम एक चीज और भी पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा रेंट पेड टू पार्टनर। एक पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग फर्म को दे रखी थी, एक पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग फर्म को दे रखी थी, और अगर वो पार्टनर फर्म को बिल्डिंग ना देता तो उसे उसी कीमत पर वो बाहर किसी और को किराए पे दे सकता था। तो रेंट फर्म की तरफ से उस पार्टनर को दिया जा रहा है, तो यहाँ पर जो ये रेंट दिया जा रहा है वो किसके बदले में दिया जा रहा है? उसको पार्टनर होने के नाते नहीं दिया जा रहा, वो रेंट उसे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि फर्म उसकी बिल्डिंग को यूज कर रही है, और अगर उसकी बिल्डिंग फर्म ना लेती किराए पर तो उसे किसी और की लेनी पड़ती, किसी और की लेनी पड़ती तो उसे वहां पर भी रेंट पे करना पड़ता। तो यानी कि यहाँ पर ये जो रेंट पे किया जा रहा है इसको पार्टनर होने के नाते नहीं दिया जा रहा, वो उसको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि फर्म उसकी बिल्डिंग को यूज कर रही है। दूसरा इसके अंदर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर के पास कुछ एक्सेस पैसा पड़ा था, पार्टनर ने सोचा कि मेरे पास फालतू पड़ा है मैं फर्म को लोन दे देता हूँ। फर्म को भी पैसे की जरूरत थी, फर्म ने क्या किया कि अपने उस पार्टनर से पैसा ले लिया, उधार पर ले लिया, और उसके ऊपर उसे ब्याज की पेमेंट कर रही है। तो क्या यहाँ पर ये जो ब्याज पे किया जा रहा है वो पार्टनर होने के नाते किया जा रहा? नहीं, वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि फर्म उसके लोन का इस्तेमाल कर रही है, उसके लोन को यूज कर रही है। अगर फर्म ने ये लोन पार्टनर को छोड़कर किसी और से भी लिया होता तब भी उसके ऊपर वो इंटरेस्ट की पेमेंट करती। तो ये भी आउटसाइडर्स की पेमेंट है, इनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है तो इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इसे नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद हमने एक टॉपिक और पढ़ा था, क्या इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल का यूज कहां पर होता है? इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। इसको मैं फटाफट से एक एग्जांपल से लेती हूं। सपोज किसी बिजनेस के अंदर एक पार्टनर था एक्स, उसने 1 जनवरी को पैसा लगाया, 1 अप्रैल को लगाया उसने पहले, 1 अप्रैल को उसने लगाए 10,000 रुपए, फिर उसके बाद उसने 1 अगस्त को लगाए 5,000 रुपए, फिर उसने 1 नवम्बर को लगाए 2,000 रुपए, फिर उसने 1 फेब को लगाए 1,000 रुपए। उसने बिजनेस के अंदर इस पैसे को लगा रखा है, और 1 मार्च को उसने 2,000 रुपए विड्रॉ किए, ये अमाउंट उसने विड्रॉ की। तो इफेक्टिव कैपिटल मेथड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई भी पार्टनर बिजनेस के अंदर कई बार में पैसा लगा रहा है, कई किश्तों में पैसा लगा रहा है, तो उस केस में अब मान लो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि हमने पार्टनर को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, तो यहां पर अगर हम 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10,000 पे 1 अप्रैल से लेकर अगली 31 मार्च तक 12 महीने का कैलकुलेट होगा, 1 अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का कैलकुलेट होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का कैलकुलेट होगा, फरवरी मार्च 2 महीने का होगा, 1 मार्च 1 महीने का होगा। तो यानी कि ये सभी सिचुएशन के अंदर हमें अलग अलग हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इफेक्टिव कैपिटल मेथड को अडॉप्ट करते हैं। इफेक्टिव कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है बच्चे, कि हमें जितने भी डेट को अमाउंट विड्रॉ की जा रही है उसको उसके आउटस्टैंडिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर अगर 10,000 रुपए लगाए जा रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग पीरियड कैपिटल के बाद 12 महीने का पीरियड रहता है, तो इसको इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और इसमें आउटस्टैंडिंग पीरियड 1 अगस्त से लेकर अगर हम कैलकुलेट करें तो 8 महीने का रहता है, तो 8 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने का रहता है, तो यहाँ पर हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फरवरी मार्च 2 महीने का है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 1 महीने का है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट ये नेगेटिव है क्योंकि अमाउंट को विड्रॉ किया जा रहा है। इतना करने के बाद 12,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 17,000 अपने पास टोटल आ गया। तो इसके ऊपर अब हम 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और 1 महीने का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इफेक्टिव कैपिटल के अंदर ये 12 से मल्टीप्लाई करके इस अमाउंट को हमने इक्विवेलेंट टू 1 मंथ, यहाँ पर 1 20 आना था, इक्विवेलेंट टू 1 मंथ कर लिया। ये कैलकुलेशन भी इसके अकॉर्डिंग बेटा चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इफेक्टिव कैपिटल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जितनी भी अमाउंट होती है उसको उसके आउटस्टैंडिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट टू 1 मंथ कर लेते हैं और उसके ऊपर 1 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसके अंदर भी हमने कई मेथड पढ़े थे बच्चे, अगर आपको याद हो। सबसे पहला था अपने पास सिंपल, एक बार अमाउंट को विड्रॉ करता है। सपोज एक्स एक पार्टनर था, उसने 10,000 रुपए निकाले हैं 1 सितंबर को, 1 सितंबर 2016 को, और इस पे इंटरेस्ट लगाना है 6% के हिसाब से। अगर हमें ये डेट दे रखी है 1 सितंबर 2016 को, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसके ऊपर सिंपली हम 7 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। वो था अपने पास सिंपल मेथड। अब कई बार क्वेश्चन के अंदर हमें ये डेट नहीं दे रखी होती, कई बार क्वेश्चन के अंदर हमें डेट नहीं दे रखी होती, बस ये बता रखा होता है कि एक्स ने 10,000 रुपए निकाले और उसके ऊपर 6% के हिसाब से ब्याज लगाना है। तो जब डेट नहीं दे रखी होती बेटा, तो हमें क्या करना होता है कि टोटल अमाउंट का 6% और 6 महीने का एवरेज बेसिस पे हम 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? एक ऐसा मेथड जिसके अंदर पार्टनर्स अलग अलग डेट पे अमाउंट को विड्रॉ करते हैं और उसको भी हम इफेक्टिव कैपिटल के मेथड से इक्विवेलेंट टू 1 मंथ करके 1 महीने का इंटरेस्ट उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो अगर किसी ने 1 अप्रैल को पैसे निकाले 1,000 रुपए, उसके बाद उसने 1 नवम्बर को निकाले 1,000 रुपए, तो आउटस्टैंडिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमने आउटस्टैंडिंग पीरियड से मल्टीप्लाई किया, वो भी 12,000 रुपए। इसको हमने आउटस्टैंडिंग पीरियड से मल्टीप्लाई किया, आउटस्टैंडिंग पीरियड है 5 महीने का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 5,000 रुपए। तो टोटल हो गया अपने पास 17,000। इंटरेस्ट रेट है 6% और क्योंकि हम इसे इक्विवेलेंट टू 1 मंथ कर चुके हैं, तो इसके ऊपर 1 महीने का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। प्रोडक्ट मेथड इफेक्टिव कैपिटल मेथड के जैसा ही होता है और इसके ऊपर 1 महीने का जो ब्याज है वो कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा मंथली ड्रॉइंग मेथड। मंथली लगा लो, क्वार्टरली, मंथली या क्वार्टरली ड्रॉइंग मेथड। अगर इस हिसाब से कोई पर्सन बिजनेस में से, फर्म में से पैसे को विड्रॉ करता है, तो उसके लिए इंटरेस्ट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पर 3 केसेस हो सकते हैं। अगर उसने बिगिनिंग में निकाले हैं, या दूसरा केस हो सकता है उसने मिड में निकाले हैं, तीसरा केस हो सकता है कि उसने एंड में निकाले हैं। तीनों ही केसेस के अंदर फॉर्मूला हमने एक ही यूज करना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। जब उसने आखिरी बार पैसा निकाला, पहली बार पैसा निकाला उसके बाद कितना टाइम बचा, आखिरी बार जब उसने पैसा निकाला उसी साल के अंदर तो कितना टाइम बचा, डिवाइड बाय 2। इस एवरेज बेसिस पर इतने महीने का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। अब इसके अंदर एक बच्चे की मेरे पास क्वेरी आई थी क्वेश्चन के लिए, तो पहले हम उस क्वेश्चन को ही देख लेते हैं, उससे हमें ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा। हमें कर रही हूं इलस्ट्रेशन नंबर 40। मेरी बुक के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 40 आप स्टेटमेंट को मिला लीजिएगा। द नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज 30,000। किसी फर्म का प्रॉफिट हमको दे रखा है 31 मार्च 2017 को 30,000 रुपए। 30,000 रुपए का प्रॉफिट हमको फर्म का दिया हुआ है। इसके बाद कहते हैं विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी इन देयर एग्रीड प्रोपोर्शन ऑफ 3:1:1 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि इस प्रॉफिट को ए, बी और सी ने 3:1:1 में बांट लिया। बच्चे ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना। देखो 30,000 रुपए का प्रॉफिट था जिसको एबीसी ने 3:1:1 के हिसाब से अपना बांट के निपटा लिया। इसके बाद क्या कहते हैं, एबीसी इट वाज डिस्कवर्ड ऑन 10 अप्रैल 2017 अगले साल की भी 10 तारीख को लोगों को होश आता है। क्या होश आता है? कहते हैं कि दैट द अंडर मेंशनड ट्रांजेक्शंस वर नॉट पास्ड थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017।
कहते हैं कि जो नीचे ट्रांजेक्शन लिखी हुई है इनको तो करना भूल ही गए, उसके बिना ही उन्होंने इस प्रॉफिट को बांट लिया। गलती क्या करी, गलती उन्होंने ये करी कि इस प्रॉफिट को बांट दिया, अपने अकाउंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, बेटा आप लोगों की बुक के अंदर जिस मेथड से कर रखा है आप उस मेथड से भी कर सकते हो, आप इस मेथड से भी कर सकते हो, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो सबसे पहले हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं। अपने पास तीन पार्टनर है, ए बी सी टोटल। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की उन्होंने गलती कर चुके हैं वो लोग, हम क्या करें, प्रॉफिट लिखें, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट वो पहले बांट चुके हैं उनको उसके कैपिटल अकाउंट में क्या किया गया होगा, क्रेडिट किया गया होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट था। तो अब हम जब उससे वापस ले रहे हैं उस प्रॉफिट को, जब हम उस प्रॉफिट को वापस लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसे डेबिट करेंगे। और रेशियो क्या है, 311 की, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया अपने पास 18,000, 6,000 और 6,000, टोटल हो गया 30,000। ये हमने उस गलती को सुधार दिया जो इन्होंने करी थी। अब हमें करना क्या है, देखो बच्चे मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हूं छोटा सा। यहां पे बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो फर्म की तरफ से इनको मिलना क्या क्या था, हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जब यहां पर दिखाते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अमाउंट अपने पास हमको दे रखी है 30,000 रुपए की। इधर हम दिखाएंगे टू जो उनको फर्म की तरफ से मिलना है। देखो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे रखा है 10% के हिसाब से, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं जो जो कुछ मिलना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए बी सी तीनों की दे रखी है। सैलरी 5,000 टू ए, 7,500 टू बी, कमीशन टू ए ऑन स्पेशल ट्रांजेक्शन, द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर ऑन द 1 अप्रैल 2016 वास ए का 25,000, बी का 20,000 और सी का 15,000। तो सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बच्चे ए को हमने पे करना है, ए की कैपिटल हमको दे रखी है 25,000 और उसका 10% 2,500। बी की कैपिटल हमको दे रखी है 20,000, उसका 10% यानी कि 2,000 और सी की कैपिटल हमको दे रखी है 15,000, उसका 10% यानी कि 1,500, 6,000 हमने पे कर दिया। इसके बाद कहते हैं कि हमें ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लेना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए की दे रखी है, बी की दे रखी है, सी की दे रखी है, इंटरेस्ट दे रखे 350, 250 और 150। इसके बाद कहते हैं कि सैलरी देनी है ए को और बी को, टू ए से सैलरी, टू बी से सैलरी। बेटा मैं रफ में बना रही हूं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, और टू एस कमीशन। ए को हमें सैलरी देनी है 5,000, बी को सैलरी देनी है 7,500 और ए को कमीशन देना है 3,000। ऐसा करते हैं हम जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, अब इसके अंदर इसको ऐड कर दिया जाएगा, इन सभी अमाउंट को माइनस करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो पार्टनर्स को बांट लेंगे। तो बांट लेते हैं उसे फटाफट से, बचा हुआ प्रॉफिट है 9,250, 9,250 को पार्टनर बांटेंगे एबीसी, रेशियो उनको दे रखी है 3/5, 5,550 का प्रॉफिट मिला ए को,
1850 का बी को और 1850 का सी को। तो अब इसको देखते हुए हम ट्रांजैक्शन करते हैं। देखो बच्ची, उस गलती को हमने सुधार दिया जो पहले हम कर चुके थे। अब हम देखेंगे, इसको हम लाइन लगा रहे क्योंकि यहां पर हम गलती को सुधारने वाला काम कर चुके हैं। इसके बाद अब देना क्या क्या था, हमने देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स की कैपिटल में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना, क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट मिला ए को 2500, बी को मिला 2000, सी को मिला 1500, तो टोटल हो गया ये अपना 6000। इसके बाद सैलरी थी, सैलरी इसको भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ए को सैलरी मिलनी थी 5000, बी को मिलनी थी 7500, 5000 7500, सी की कोई सैलरी नहीं थी, टोटल हो गई 12500। इसके बाद ए को कमीशन मिलना था 3000 रुपए का, कमीशन को भी एक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तो 3000 इसको हमने यहां पर दिखा दिया 3000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये हमने डेबिट कर दिया 350, 250, 150, 750। और इसके बाद बचे हुए प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया था, तो बचे हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में इसे भी क्रेडिट किया जाएगा। प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, इसको भी हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस नहीं मिल रहा। तो ए का था 5000 550, बी का है 1850 और सी का है 1850, टोटल था 9250। बस बच्चे अपना क्वेश्चन हो गया। आपकी बुक के अंदर दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करके दे रखा है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए जनरल एंट्री पास करनी है जो हम करना चाहते हैं। तो यहां पर बच्चे देखो, एक केस तो अपने पास ये हो गया कि हमने गलती को सुधार लिया, दूसरे केस के अंदर हमने वो किया जो एक्चुअल में करना चाहिए था। तो जो एक्चुअल में करना चाहिए था, तो अब यहां पर देखो जो डेबिट वाली आइटम है, क्रेडिट की है, क्रेडिट की है, क्रेडिट की है, यहां पर ये डेबिट की आइटम है, तो डेबिट की आइटम को हम नेगेटिव मानेंगे क्योंकि जब इनका सम किया जाएगा तो इन तीन चार आइटमों को टोटल करके इसमें से 350 माइनस करेंगे हम। तो यहां पर हम इनका देख लेते हैं कितना बनेगा। इसको हमने नाम दे दिया ए पार्ट, ये जो ऊपर वाला डेबिट था ना, इसको हमने ए दे दिया नाम, और इसको हम बी नाम दे देंगे। तो चलिए करते हैं 2500 प्लस 5000 प्लस 3000 माइनस 350 प्लस 5500, 15700। डेबिट का ज्यादा इसका बनता है, सॉरी क्रेडिट का ज्यादा है, तो क्रेडिट दिखाएंगे, सभी का क्रेडिट का ज्यादा मिलेगा बच्चे। ये आ गया अपने पास 9500 माइनस 250 प्लस 1850, 1100 1500 प्लस 1850 माइनस 150, ये आया 3200। तो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं ए और बी में। यहां पर लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच में डिफरेंस। तो 18000 का डेबिट है, 15700 का क्रेडिट है, 18000 डेबिट माइनस 15700, तो 2300 रुपए आए अपने पास। तो 2300 रुपए किस साइड का ज्यादा है, डेबिट का ज्यादा है, तो इसके नीचे मेंशन करेंगे डेबिट। ऐसे ही यहां पर देखें 6000 और 11100, 5100, इधर क्रेडिट का ज्यादा है, ऐसे ही इसमें देखेंगे 6000 माइनस 3200 2800, इसमें डेबिट का ज्यादा है। तो बस बच्चे अपनी जनरल एंट्री बन गई जो एडजस्टमेंट एंट्री हम करना चाहते थे। हमें करना था एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू बीस कैपिटल अकाउंट। होप सो की कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमने लास्ट का एक टॉपिक करा था गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, जिसको अभी हमने रिसेंटली आज की क्लास में भी डिस्कस किया है। तो बच्चे इसके बाद इस चैप्टर का आप लोगों का टेस्ट होना है परसों, आज का दिन छोड़ के और कल का दिन छोड़ के नेक्स्ट वर्किंग डे, यानी कि आपको सैटरडे को इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट है। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और जो टेस्ट का लिंक वगैरह है वो आप लोगों को आपके व्हाट्सएप नंबर के जरिए भेज दिया जाएगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एवरीवन।